प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले रेडियो शो मन की बात का 100वां एपिसोड 1 मई को प्रसारित होने जा रहा है। ऐसे में इससे पहले आज प्रसार भारती की ओर से एक दिवसीय मन की बात एट 100 सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया और इस दौरान उन्होंने मन की बात कार्यक्रम से जुड़े एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। गली में छोरा, गांव में ढिंढोरा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम कितने कल्चरली रिच हैं, हमारे फेस्टिवल्स क्या हैं, हमारी धरोहर क्या है, हमारे हर जिले एक जिले का क्या योगदान है, लोकल वोकल के क्या इम्पैक्ट है, ये मन की बात ने हमारे सामने एक तस्वीर रख दी और एक भावना जागृत होगी, वी हैव टू प्रोसिक्यूट ऑन दैट पाथ। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। मन की बात की 100 एपिसोड तक की यात्रा में समाज की बेहतरी के लिए ऐसे 700 से अधिक लोग और संगठनों को, उपलब्धियों को प्रधानमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने की काम कार्य किया है और इनमें से तो 37 विदेशी 10 ऐसे संगठनों के नाम भी हैं जिनका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया है। देश में सार्वजनिक जीवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में 22 वर्षों के अपने इस काल इसमें भूमिका में जन जन तक उनकी जो पहुंच बनी है और जैसे उनकी स्वीकारिता बनी है, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जन जन के मन को भी जानते हैं और मन की बात के माध्यम से जनता की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में फिल्म एक्टर आमिर खान और रवीना टंडन समेत कई और खिलाड़ी भी शामिल हुए, जहां आमिर खान ने मन की बात की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया तो वहीं रवीना टंडन ने भी नारी शक्ति को लेकर बात कही। मन की बात ने हैड ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। जी, हम औरतें उसमें कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें हर गांव गांव में या कहीं भी आप मेट्रो सिटीज भी देख लें, जो हमारे घर में जो औरतें रहती हैं जो सस्टेनेबल या रिसाइक्लेबल या यस वो औरतें ज़्यादातर करती हैं अपने घरों में, तो वो दे लीड द वे। तो उनको और उसमें कैसे अवेयरनेस फैलाना, ताकि जहां आप देखें औरतों से ही नस्ल और हर जनरेशन आगे बढ़ती है, तो बहुत ज़रूरी है हमारी औरतों को और उस विभाग में अवेयरनेस फैलाना, ताकि वो आगे अपनी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको वो यही ज्ञान या लर्निंग जिसे आप कहते हैं वो देंगी। वहीं इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने समाज के हर वर्ग के साथ अपनी समावेशिता और समुदाय को संचालित करने के दृष्टिकोण को उजागर किया है।